जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको अपने MS पेंट में कप और प्लेट डिज़ाइन करना हो तो आप वो कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने MS पेंट प्रोग्राम को चलते हैं, ओपन करते हैं और वहाँ पर कप और प्लेट डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो कप और प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने MS पेंट प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो उसके लिए हम रन खोलेंगे और रन में यहाँ पे आपको सिंपली इस प्रकार से लिख देना है MS पेंट और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका पेंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, राउंड रेक्टेंगल लेंगे और राउंड रेक्टेंगल को यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप भी इस प्रकार से खींच लेंगे और उसके बाद ऊपरी हिस्से को क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा सा आपको कट कर देना है। तो आप चाहे इरेजर से आप मिटा लीजिए या फिर आप चले जाइए सेलेक्ट टूल्स पर और ऊपर वाले को सेलेक्ट करके इस प्रकार से और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद इस पर सर्किल बनाएंगे। सर्किल को ऐसे बनाना है कि दोनों ओर हमारा इस प्रकार से टच हो जाए। तो ये आप ऐसे सर्किल इसमें बना देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जिसको हत्था बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। आप भी इस प्रकार से ड्रॉ करें और इसके बाद एक और ऐसे बना लेंगे, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो अंदर वाला एरिया है इसको आप चाहे इरेज करें या फिर आप सेलेक्ट टूल्स पे चले जाएं और सेलेक्ट टूल्स पे जाने के बाद इसको क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। तो आप भी चाहे सेलेक्ट करके डिलीट करें या फिर आप इरेज कर दें, तो ये मैंने डिलीट कर दिया, तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर एक हम लोग और बना देते हैं शेप। तो कर्व लेंगे और यहाँ रखेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा खींच देंगे कुछ ऐसे सेंटर से। और थोड़ा और इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए हम दोबारा कर्व पे जाते हैं और यहाँ पर रखते हैं एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, आप भी ऐसे। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे आपको राउंड कर लेना है। फिर उतने ही डिस्टेंस पे एक और कर्व बना लेते हैं हम लोग यहाँ से, थोड़ा सा जगह यानी कि डिस्टेंस दे करके कुछ इस प्रकार से ऐसे करते हुए चले आएंगे। ये देखिए काफ़ी इससे आपको खूबसूरत लगेगा, ऐसे बना लेंगे। तो अब भी ऐसे ही अपने में बना लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि अब हम यहाँ पे नीचे प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सर्किल ले लेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे और उसके बाद ये एरिया हम चाहे सेलेक्ट करके मिटा दें या फिर हम लोग इरेज करें, तो सेलेक्ट करना सबसे अच्छा होता है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे वाला भी हमारा मिट जाएगा, तो हम फिर से इसको बना लेंगे। तो डिलीट कर दिए और ये इसमें हम फिर से बना देते हैं, ये लीजिए। तो ये हमारा कप और प्लेट बन करके रेडी हो गया है। अब इसके आउटलाइन को हम लोग कलर जो ब्लैक है इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए फील विथ कलर पे जाते हैं और यहाँ से कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन। तो मैं एक लाइन पे क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिक सब पे फिल कर देगा इस प्रकार से। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कप में भरते हैं कलर पहले। तो मैं यहाँ पर कलर इसका रेड कर देता हूँ, ये देखिए सबका रेड कर देता हूँ, और नीचे वाले का यहाँ पर हम ग्रीन कर देते हैं फिर से ताकि इस प्रकार से बन जाए। और ऊपर वाले में हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर ये फिल कर देते हैं और प्लेट का कलर जो है हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ और इसमें भी कलर में ब्लू डाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग अपने MS पेंट में सिंपली कप और प्लेट डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये प्रोजेक्ट आप बना पाते हैं या नहीं आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।